123 123। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैंने सोचा नहीं था कि अभी मैं व्लॉग करूंगा, लेकिन दुर्गा पूजा का समय है। मैं जस्ट इसको रात को खाना खाने के बाद कॉल किया और पूछा भाई क्या कर रहा है, तो बोला भाई मैं आपके घर आ रहा हूँ आपको लेने। अब आगे का स्टोरी ये बताएगा। फिर मैंने कहा कि वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल किए तो फिर ये इनको देख रहे कि ये लोग शाहपुर जी के पास है, तो फिर मैंने इनको बोला कि हम लोग आ रहे हैं संग में चलते हैं पैंडल हॉपिंग करने। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं पैंडल हॉपिंग करने और पीछे हम लोग गाड़ी में पेट्रोल भरना हो गया, तो सभी हम लोग घुसते हैं अंदर और सीधा पैंडल से वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। स्टोरी तो बीच में रह गया, यही हुआ कि मैं खाना खा के उठा था, जस्ट ये मेरे को कॉल किया, बोला भाई क्या कर रहे हो, मैं बोला जस्ट रेडी हो रहा हूँ, तो ये मेरे को सीधा आके घर से लेके सीधा अभी हम लोग निकले हैं रात भर पंडाल घूमने। और घूमते घूमते हम लोग आ चुके हैं पहले पंडाल में, पीछे से ठीक से दिखा नहीं पाया, जाइंट व्हील है। और ये कुछ बोलना चाहोगे मेरे ब्लॉग में? बस मज़ा आ रहा है, मज़ा कर रहे हैं, घूमे बहुत इनके घर, बड़ा मज़ा आया। और फिर वहीं से आंटी अंकल से बात करके हम लोग यहाँ पे आ गए। पता नहीं यहाँ पे नो एंट्री लिखा और ये कह रहा है मेरे घर में मज़ा आया, मेरे को तो आता नहीं है, नो एंट्री क्यों लिखा है पता नहीं। एक तो एंट्री और यहाँ पे एंट्री भी लिखा है नो एंट्री। चलो यहाँ से एंट्री हो गया अपना, तो आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ। पहले पहला पंडाल घुस चुके हैं, देखिए कितना भीड़ है। अभी कितना बजे है कृष्णा? रात के बजे है 2:30 और ये देखिए भीड़। और ये तो कुछ भी नहीं, तो मेन पंडाल भी नहीं है, फिर भी इतना भीड़ है। आज ये तनु, ये देखिए गाइस कितना सुंदर लग रहा है, ये बड़ा सा वर्ल्ड कप लगाया है। पंडाल तो दिख ही नहीं रहा है। चलिए पूजा पंडाल तो गाइस दिखा नहीं है, एक तो मेला है, हम इसके लिए यहाँ पे इसी वर्ल्ड कप के लिए घुसा है। और पता नहीं क्या है इस मेले में, देखे कुछ ना कुछ तो हो गई मेला में। और पंडाल यहाँ से दिख रहा है गाइस, कितना सुंदर लग रहा है गाइस। वीडियो में पता नहीं इतना अच्छा लग रहा है कि नहीं, रियल में तो और ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और पता नहीं यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा अभी तो नहीं होने वाला, लेकिन जब मेन पूजा, अभी तो मेन पूजा शुरू भी नहीं हुआ है, इसलिए पंडाल नहीं है, लेकिन यहाँ पे माँ ज़रूर है। मेरे को इस साल की सबसे पहले माँ का दर्शन यही वाला हो रहा है, तो हाथ जोड़ लेता हूँ, माँ माँ होती है। आप लोग भी जोड़ लीजिए, अगर आप कहीं और से देख रहे हैं, कलकत्ता से भी देख रहे हैं, तो आप भी जोड़ लीजिए हाथ। आपको जो मैं बोला, यहाँ पे भी किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सुंदर हो सकता है, क्योंकि एकदम सामने है, लेकिन गाइस ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। आपको तो सिर्फ ये बाहर से दिख रहा है, हम लोग को थोड़ा थोड़ा अंदर से भी दिख रहा है क्या लाइटिंग की है। मेनली लाइटिंग का एक लाइटिंग 50% तो लाइटिंग का काम है। अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया है, सुंदर। वाह यार बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे वर्ल्ड कप है, इंडिया जीते काश, बहुत ही अच्छा गेम चल रहा है, अभी तक तो 2 मैच हो चुकी है, लेकिन अभी इंडिया के जीत। अरे यार यहाँ से एंट्री नहीं करने दे, चलिए आपको पीछे से जहाँ से एंट्री करने दे रहा वहीं से वीडियो कंटिन्यू कर रहा है। एंट्रेंस कितना सुंदर लाइटिंग किया है, ओ माय गॉड यार, यहाँ पे कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा बनेगा। और सब यहाँ पे फोटो लेने में बिजी है, और अभी हम लोग अंदर घुसते हैं, कितना ही फोटो किया, हम लोग तो पूरा वीडियो ले रहे हैं, आपको एकदम लाइव एक्सपीरियंस जैसा आपको एकदम एक्सपीरियंस कराना चाहता हूँ। पता नहीं जब आप वीडियो देख रहे हो, ये क्या पता दुर्गा पूजा खत्म हो गई और ना खत्म हो गई हो, लेकिन ये जो लाइटिंग बनाया है बहुत ही सुंदर बनाया है। चलिए आपको अंदर घुस के एक बार दिखाता हूँ गाइस, बहुत ही सुंदर लाइटिंग है। ओ माय गॉड वाओ, ये देखिए गाइस ऊपर कैसा बनाया है, बहुत सुंदर है। पहला पंडाल, लेकिन पहला पंडाल ही हम लोग कितना सुंदर चुने हैं, सुंदर है। सब कोई जो भी देख रहा है यहाँ पे बोल रहा है कितना सुंदर है, ये देखिए गाइस। और ये रहा लाइटिंग के वजह से हम लोग बहुत इजी हो रहा है यहाँ पे, और भीड़ भी नहीं है अभी, अभी चालू तक नहीं हुआ है पूजा, तभी भी इतना भीड़ है, जब चालू हो जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगेगा। वाह यार बहुत सुंदर लग रहा है। ये रहा माँ दुर्गा, आपको अच्छा व्यू दिखाने का कोशिश कर रहा गाइस। ये रहे दुर्गा माँ, थोड़ा अच्छा व्यू है, बाहर से भी दिखाने का कोशिश करता हूँ। और जैसे जो म्यूजिक बज रहा है, लिटरली जो एस्थेटिक व्यू दे रहा है बहुत ही सुंदर लग रहा है। ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे घुसने का। वाह यार, मेरे तो पहली बार कैमरा में इतना, मेरे को कैमरा में पहली बार इतना अच्छा आ रहा है, यहाँ पे घुसना अलाउड भी नहीं है, मैं घुस गया, सॉरी भैया। ये लोग पता नहीं कहाँ गए। ये रहा, फिर से आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये फिर से यहाँ से जुड़ा, यहाँ पे सबका फोटोग्राफी चल रहा है। ओ भाई किधर गए, आज पे
से ये वाला पंडाल देख लीजिए, फिर मैं सीधा अभी अगले पंडाल में निकलूंगा। पता नहीं कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे पीछे ड्रोन भी उड़ रहा है और यहाँ से अपना एग्जिट है। तो ये वाला पंडाल इस वीडियो के लिए बाद में देखिएगा, अगर आप कोलकाता से है तो सेंट्रल के सामने आके आप ये वाला पंडाल का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं दूसरे पंडाल में। अभी हम लोग वो जाइंट व्हील में चढ़ के निकले, हम लोग का पूरा पैर कांप रहा है। तन्नु कुछ कहना चाहोगी जाइंट व्हील के बारे में? हाँ जी, डर लगा बहुत। माइक में बोलो, माइक में बोलो। अरे डर लगा बहुत, मेरा पैर कांप रहा है लिटरली। दो राउंड में जो चिल्लाया है फट्टू, मैं उस सदमे से निकली नहीं हूँ अभी तक, मुझे वक्त लगेगा। चलिए अभी इसको सदमे से निकलने देते हैं, तब तक हम लोग दूसरे पंडाल में जाते हैं। बजे रात के 4:15 और हम लोग आए बलवंत सिंह, लेकिन देख के तो लग नहीं रहा 4:15 बजे, ऐसा लग रहा रात के 8 बजे है। देखिए कितना गाड़ी है और पीछे देखिए कितना भीड़ है। अभी हम लोग ने ऑर्डर किया है चाय, और चाय के साथ क्या ऑर्डर किया हम लोग ने, चाय के साथ क्या ऑर्डर किया है इधर कैमरा में देख लो, देख लो। ठीक है, तो पनीर टिक्का और नमकीन आता तो खा के बताते कैसा लग रहा है आपको। बन रहा है बलवंत सिंह ढाबा का स्पेशल चाय, कितना गरम गरम चाय बन रहा है, यहीं से सबको दिया जाता है। ये देखिए बाहर कितना बड़ा बाहर है, मैं तो चाय पीता नहीं हूँ, ये लोग मेरे दोस्त लोग पियेंगे तो मैं उन लोग से पूछ के बताऊँगा कैसा है चाय। लेकिन ये देखिए बाहर से ऐसा इंटीरियर है, अंदर जाके दिखाने का कोशिश करता हूँ। अंदर ऐसा कोई कुछ खास नहीं है, लेकिन बहुत भीड़ है और बहुत फेमस है बलवंत सिंह, सारे सेलिब्रिटी तक आते हैं। इवन मैंने आशीष विद्यार्थी के ब्लॉग्स में देखा है ये वाला। चलिए कोई ना, अभी जैसे ही आता है आपको वहाँ से ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। पे आ चुकी है पनीर टिक्का और ये लेडी खा रही है, पहला रिव्यू आज ये बताएगी। तन्नू कैसा लग रहा है खा के? अच्छे से बोलना, क्या कमी है, ऐसे मत कर यार इसको, उसने तो ठीक से बताया नहीं। मैं आपको ठीक से खा के बताता हूँ, यही प्रॉब्लम होता है जब कुछ खा रहे होते हैं और कैमरा पकड़ना होगा, ऐसे ही पकड़ना इसी एंगल में। चलिए यहाँ से आपको अच्छे से दिखाता हूँ, थैंक्स टू माय फ्रेंड तन्नू, कमेंट में लिखिएगा थैंक यू तन्नू। अभी हम खा के आपको दिखाते हैं, पता नहीं कोई बिल्डिंग है, सॉरी क्या नाम है इसका, ये प्लेट हीरे जा रहा है। ये रहा, मैंने एक पीस लिया और मिंट की चटनी में डुबोया, स्विमिंग पूल कल में घूम रहा है ये। 7 नहीं आया, पता नहीं क्यों, कितना गर्म है गाइस। एक तो टिक दो, अरे एक तो दो 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 लेके खा रहा है। अभी अच्छे से खा के दिखाता हूँ। ओ भाई, अरे भाई मेरे को कैमरा छोड़ी, आप इधर देखिए रास्ता। अरे नहीं, मेरे को दिखा, मेरे को दिखा, मेरे को दिखा। अभी देखिए सेकंड शॉट खाता हूँ, इसको भी मजा आएगा। अरे उसको खा लेंगे, पूरा मलाई पनीर में बना है, बहुत ही अच्छा है। अगर आप बलवंत सिंह आओ तो जरूर ये खाना। अभी चाय आता तो चाय का आपको दिखाता हूँ। चुकी है चाय और चाय का रिव्यू लेते हैं आंटी से, एक चाय आंटी को देते हैं धीरे से, अच्छे से लीजिए आंटी चाय को, टेस्ट कीजिए अच्छे से। और कुछ बोलना चाहेंगे? आप भी आओ जरूर जरूर, तो आपको जैसा रिव्यू पता लगा। कुछ कमी है चाय में, मीठा कम ज़्यादा? प्रॉपर सही है। तो आपको मैं एड्रेस दिखा दे रहा हूँ, ये है भवानीपुर और यह है बलवंत सिंह ढाबा। कोई भी किससे भी पूछेंगे भवानीपुर में तो आपको मिल जाएगा, जरूर आए। रात के जब भी आना चाहे 24 घंटे खुला है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। क्रॉस कर रहा था, गाड़ी क्रॉस कर रहा था अपना, और यहाँ पे देखा केदारनाथ बनना है और ये जगह का नाम है मोहम्मद अली पार्क, जो कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगता है। आज पता नहीं हमारे नसीब में था तो हम लोग एकदम ईजिली देख ले रहे हैं। अभी आपको क्रॉस करके दिखाता हूँ। कितना धूला उड़ा के जा रहा है गाइस, ये रहा यहाँ से व्यू। देखिए यहाँ से एंट्री है ना, गाइस यहाँ से हम लोग एंटर कर रहे हैं पूजा पंडाल में। पता नहीं कौन सा वाला है, लेकिन मोहम्मद अली पार्क ही है, 55 ईयर्स है। अभी तो हम लोग को कुछ लाइन नहीं मिला, जब मेन पूजा चालू होगा तब मेन लाइन आएगा। आपको अंदर से भी दिखाता हूँ कैसा लग रहा है ये पूजा।
ये देखिए गाइस, ये मेन पूजा है और एकदम केदारनाथ धाम बनाया है। ऊपर से देखिए कितना सुंदर सा बनाया हुआ है। बोलो दुर्गा माई की जय। यार बहुत सुंदर है यहाँ पे मूर्ति तो, और ये ऐसा मूर्ति मैंने आज तक देखा नहीं है। पीछे शिव जी भी है और दुर्गा माता भी है और गणेश जी भी है। प्रॉपर एकदम सुंदर, आपको बीच में जाके दिखाता हूँ वीडियो। और इधर एकदम पूरा खाली है, तो कोई कुछ बोल भी नहीं रहा कैमरा बनाने में। वाह यार बहुत सुंदर लग रहा है, आपको कैमरा में भी दिख रहा होगा। थोड़ा जूम आउट करता हूँ, एकदम जूम आउट ही किया हुआ है, फिर भी इतना सुंदर से लग रहा है गाइस। ये एकदम बनाया, रुकिए, ये बनाया केदारनाथ। चलो अभी केदारनाथ की यात्रा तो नहीं हुई, लेकिन अभी हम लोग को पंडाल में ही केदारनाथ मिल गया। टेंपल बनाया, असल का टेंपल देखिए कितना सुंदर है। ऐसे भी ये भी सुंदर है ऐसे। और ये इनॉग्रेशन ममता बनर्जी ने किया, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। बहुत ही सुंदर लग रहा है। कभी हम लोग केदारनाथ भी जाएंगे तो चलो कोई बात नहीं, अभी इसको देखते हैं और सीधा वहाँ पे चलते हैं डिज्नीलैंड पे। लोग आ चुके हैं चोर बागान, इस जगह का नाम है चोर बागान। पता नहीं चोरी होता है कि नहीं, लेकिन इसका पंडाल इतना खाली है, ऐसा लग रहा है हम लोग ही इनॉग्रेशन कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं उस पंडाल का, ऐसा कि आपने देखा ममता बनर्जी ने किया है इसका, धीरज वाटवानी, तन्नू सोनी, कृष्णा सोनी ने इनॉग्रेशन किया है। और ये पंडाल इतना खाली है, लेकिन एक्वा थीम में है और आपको दिख भी रहा है कितना सुंदर है। ए देखो ऊपर एक बंदा है। हाय हाय हाय, कैसा है भाई, सब ठीक है ना? अच्छे से पानी मिल रहा है ना? अच्छे से प्यास व्यास लगे तो बोलना भाई। और ये देखिए, अब अभी कुत्ता कहाँ से आ गया? ये देखिए ब्लू व्हेल, ब्लू। एक तो अक्षय कुमार का मूवी आया था ब्लू, ब्लू फिल्म किया था उसने, लेकिन बहुत ही घटिया। टाइटैनिक थीम है एक्चुअल में। देखिए ये पायरेट्स ऑफ कैरिबियन लग रहा है। और पता नहीं क्यों यहाँ पे मट्टी लगा हुआ है, शायद अभी तक बनना नहीं है। हम लोग आ चुके हैं और वहाँ ये रहे दुर्गा माता। वाह यार बहुत सुंदर लग रहा है आजकल। इस बार पंडाल में बहुत खर्चा किया कोलकाता में, जो भी बोलो मस्त लग रहा है, एकदम सेक्सी पंडाल है एकदम। वाह यार बहुत सुंदर लग रहा है। ओह भाई अभी तो पूरा खाली है पंडाल तो, एकदम अच्छे से बहुत सुंदर। इस बार सब जगह मूर्ति अच्छा बना है, बहुत सुंदर। ये पंखे कृष्णा को गेट में जाने बोल रहे हैं। कृष्णा पे पैरीदारी करेगा अब उसका नया ड्यूटी मिला है। और ये रही दुर्गा माता, आप लोग हाथ जोड़ लीजिए। और ऊपर से देखिए कितना सुंदर लग रहा है। वाह यार ऊपर देखिए कितना अच्छे से सजाया है, बहुत सुंदर लग रहा है गाइस। वाह एकदम ऐसा लग रहा है हम लोग पानी के अंदर आ गए हैं। हेलो गाइस, आई एम अंडर वाटर। वो देखिए गाइस, हाय सुपरमैन। सुपरमैन नहीं है वो, स्कूबा डाइवर है। किधर है तन्नू? ये भी अच्छा बना है, ये भी बहुत ही अच्छा बना है। उसको देखिए वो वहाँ पे, वो पानी के अंदर है। तन्नू यू आर अंडर वाटर। हेलो गाइस आई एम अंडर वाटर। तो चलिए अब ये वाला आपको दिखा दिया, अभी सीधा चलते हैं नेक्स्ट पंडाल में। अब नहीं बोलूँगा डिज्नीलैंड जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं, बिकॉज जो बोलता है वो होता नहीं है। अभी और भी पंडाल दिखाऊंगा तो व्लॉग पर बने रहे। जाते जाते एक और पंडाल दिख गया, ये भी शिव जी का कोई मंदिर के ऊपर बनाया है। ऊपर देखिए त्रिशूल है। अभी चलते हुए जा रहे हैं, आपको पूरा एंट्रेंस में दिखा रहा हूँ। ये पूरा थर्माकोल से बना हुआ है ये, और यही से हम लोग एंटर करेंगे। और इधर पूरा जा घुसते ही ना म्यूजिक का आवाज आ रहा है, आपको भी सुनाई दे रहा होगा शायद थोड़ा थोड़ा। ये देखिए गाइस कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे। लाइक शिव जी का वो बना हुआ है, क्या नाम है, शिवलिंग बना हुआ है। और यहाँ पे बना है, ओ यार मूर्ति सब जगह का अच्छा है, एकदम बहुत अच्छा बना है इस बार मूर्ति हर जगह का, बहुत सुंदर। यहाँ पे एकदम ऐसा लग रहा है शिव जी का वो पूरा ग्लास का मूर्ति शिवलिंग है। और इधर बहुत जगह शिव का इस बार बहुत जगह शिवलिंग जैसा बनाया है, शिव के ऊपर थीम बहुत जगह बनाया है इस बार। ये देखिए गाइस प्रॉपर एकदम ऐसा लग रहा है संस्कृत थीम है एकदम। और जो पीछे म्यूजिक बन रहा है जो बैकग्राउंड में, बहुत ही सुंदर लग रहा है। वो जवान जो मूवी था उसमें जो एंट्रेंस में जो सीन था वो म्यूजिक था, वैसा ही म्यूजिक लग रहा है एकदम। ऊपर देखिए गाइस कितना अच्छा बंगाली में लिखा है, जिसको बंगाली में पढ़ना आता है वो कमेंट सेक्शन में पढ़ के बताए क्या है, क्या है ये लिख के बताए। यहाँ पे दिया रखा है लोग, और लेकिन असली दिया नहीं है, लाइट लगा है, लेकिन ऐसे कैमरा में लग रहा है एकदम सच में जल रहा है। देखिए ये वाला तो ऐसा लग रहा है सच में जल रहा है, लेकिन पूरा लाइट है प्रॉपर। और ये रहा मूर्ति,
तो गाइस यही पे ये वाला पंडाल खत्म होता है, अभी सीधा नेक्स्ट पंडाल जाते हैं, वहां से वीडियो कंटिन्यू करते हैं। घूमते घूमते सुबह हो गई, लिटरली सुबह के 5 बजे है और अभी हम लोग पहुंचे हैं डिज्नीलैंड में। ये कितना खाली है, अगर यही चीज हम लोग रात को पहुंचे तो यहाँ पे हम लोग इतना इजीली चल के वीडियो नहीं बना पाएंगे। यहाँ पे पूरा पसीना होगा, यहाँ पे पीछे वो होगा पूरा रस्सी बांधा होगा और वैसे करके जाऊंगा। तो अभी छोड़ो, अभी पीछे व्लॉग्स, पीछे वाले ये आपको मिल रहा है नींबू पानी, हम लोग पीछे वाले कैमरा से आपको अच्छे वे में दिखाता है पूरा सी भूमि। 5 बजे की पंडाल है ये और ये डिज्नीलैंड यहाँ पे बनाया गया है अभी कुछ दिन पहले क्या आज नहीं, मतलब आज के एक पहले रोनाल्डिनो जो ब्राज़ील के फुटबॉलर है बहुत फेमस, वो आए थे यहाँ के इनॉग्रेशन करने के लिए। इवन विद्या बालन और देव एक बंगाली एक्टर है वो भी आ चुके हैं। और ये देखिए कितना अच्छा से एकदम, तो हमेशा का ही, अभी रात के समय लाइटिंग बहुत अच्छा लगता है, सुबह के समय थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं लगेगा। कुछ बोल कैमरा में बोल नहीं। तो चलो तो आपको सीधा अंदर जाके तो अभी आपको अंदर जाके दिखाता है। ये देखिए डिज्नीलैंड का रेप्लिका बना हुआ है, एक्चुअल का डिज्नीलैंड ऐसा ही है कुछ डेकोरेशन में। लेकिन अभी मेरे को लगी है बहुत तेज भूख और इस बंदे को आई है बहुत तेज नींद, लेकिन वो बेचारा नींबू पानी बेचते ही सो गया। चलिए आप ना सो जाओ, इसलिए सीधा आपको सीधा सी भूमि दिखाता हूँ। ड्राइवर ने हम लोग को बहुत ही आगे उतार दिया, लिटरली इतना आगे धोखा। यहाँ पे हम लोग को लगा गाड़ी आने नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे गाड़ी ऑटो बैलगाड़ी सब कुछ आ रहा है। लेकिन कोई नहीं, चलते चलते कुछ अलग ही मजा आता है। और एक कौवा टट्टी करके गया है लेकिन हम लोग के ऊपर नहीं किया है। और ये रहा मिक्की माउस। और अभी सीधा, अभी आपको बहुत दूर, अगर मैं इसको ऑन करके दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। हर जगह ऐसा ही लाइट है, लेकिन जहाँ पे मेन पार्ट आएगा वहाँ से ही आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ से गाड़ी आ रहा, हम लोग को लग रहा था गाड़ी नहीं आएगा। तो चलिए कोई ना, यहाँ से ब्लॉग को सीधा वहाँ जाके कंटिन्यू करता हूँ डिज्नीलैंड में। रोनाल्डिनो का बात कर रहा था वो, यही है, ये आए थे कल ही आए थे यहाँ पे इनॉग्रेशन करने के लिए। चलिए कोई ना, अभी सीधा अंदर घुसता हूँ, वहाँ से ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ गेट और यहाँ तक पहुँचते अभी हम लोग 2 मिनट में पहुँचे, लेकिन अगर हम लाइन से आए तो वहाँ से हम लोग मेनली आते हैं। और यहाँ तक पहुँचते हम लोग का बहुत समय लग जाता है। अभी एंट्री का ये फ़ोटो खींच रहा है, तब तक हम आपको ये दिखाता है। ये देखिएगा इस इधर लाइटिंग होता है, लेकिन अभी थोड़ा लाइटिंग कम है क्योंकि सुबह का समय है, इतना समझ नहीं आ रहा। लेकिन इतना पूजा का क्रेज़ है कि अभी पूजा स्टार्ट तक नहीं हुआ है, लेकिन लोग अभी भी घूमे जा रहे हैं। यहाँ पे सुभाष चंद्र जी बोस का वो घोड़े पे सवार है, घोड़े पे सवार एक गाना आया था ना। यहाँ पे विद्या बालन भी आई थी, वहाँ पे फ़ोटो लगा हुआ है, देखिएगा इस विद्या बालन का फ़ोटो। तो अभी सीधा अंदर घुसता हूँ आपको और अच्छे से दिखाता हूँ, अच्छे से व्यू दिखाऊँगा। अभी यही प्रॉब्लम हो रहा है, देखो वो, देखो उधर, उसको देखो, वो वहाँ पे अकेले जाके खड़ी हुई है, उसको पिछड़ी देखो कैसे ढूंढ रही है, गुम गई ऐसा लग रहा है। क्या हो गया पीछे? कुछ नहीं कर रहा, उधर दिखा, मेरे को मत दिखा। तो चलो दिखाते हैं। तो चलिए आपको सीधा लेके चलते हैं दुर्गा पूजा के अंदर। आ गए हैं पंडाल, एग्जैक्ट 30 रुपये ली। यहाँ का कितना फेमस हुआ है, बासबोन खासबोन झोलते दे सारी बासबोन आशबोन आशबोन झोलते दे सारी दोड़े पापा दोड़ो हाँ वापिस गाता है हसबोन हसबोन बोलचे जे सारी आठ बात देखे बात किए दे बारी जो को बोल जो आ तो के मेरे जाबो बका बोल जो आ तो के बेले जाबो बुला ले आ आसबोन कसबोन बोलते जे सारी। हम लोग इसको करते करते ऑलमोस्ट पंडाल में पहुंच गए, पंडाल में पहुंच गए। हसबोन हसबोन बोलते इसका हाल देखो ओ भाई देखिए थोड़ा हसबोन सब हम लोग कोई देख रहा है हसबोन हसबोन
ओ भाई क्या सब किया हम लोग आते आते हसबुन कसबुन बोल जाएगा ना। ये देखो ममता बनर्जी आ गई इधर हसबुन कसबुन डोलचे जैसा री। अब अपनी हंसी नहीं रुक रही है। कोबे डाक डीके डाक डीके डाक एक बार ओ भाई कोबे डाक देवे डाक बोलचे जे पारी। अरे डिज्नीलैंड आ गया हसबुन कसबुन बहुत हो गया अभी हंसी भी नहीं आ रहा है। वाह वाह यार मरमेड कृष्णा मरमेड गाइज ये देखिए भाई ये क्या हो गया गाइज ये देखिए हम लोग आ चुके हैं डिज्नीलैंड। आपको ठीक से दिखा नहीं पाए क्योंकि हम लोग हसबुन फसबुन में लगे पड़े थे लेकिन अभी हम लोग फाइनली पहुंच गए। आपको अच्छा सा व्यू दिखाता है इसका रुकिए। ये देखिए गाइज सबसे बेस्ट व्यू है यहाँ का और यहाँ से हम लोग एंटर कर रहे हैं। वो हसबुन तसबुन कर रही है। ये देखिए यहाँ पे क्या बनाया है। ये कितना सारा टर्टल्स है वहाँ पे मरमेड है और कितना सारे डक वक सब कुछ है। एकदम पूरा प्रॉपर डिज्नीलैंड है। डिज्नी के जो जो कैरेक्टर्स है लाइक वो सब है। ये देखिए गाइस इसके फ़ोन में फ़ोटो लिया जा रहा है। और अभी हम लोग है डिज्नी श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब 2023। आंटी बुला रही है वाह यार बहुत अच्छा लग रहा है ये। इसका आपको फ़ोटो भी आपको डालूंगा इसके अपने थंबनेल में। और यहाँ पे देखिए सारे डिज्नी के क्या लाइक जो एनिमेशन कार्टून कैरेक्टर्स है सब के सब है। ये मिक्की माउस है यहाँ पे डक बैक है वो मेरे को नहीं पता प्रिंस चार्मिंग जैसा लग रहा है वही। और ये स्कूपी डॉग है यहाँ पे पता नहीं कौन है ठीक से दिख नहीं दिया लेकिन पता नहीं क्यों पार्ले का पता शायद पार्ले स्पॉन्सर है इसलिए दिखा रहा है पार्ले को लोग। और वहाँ पे भी है बहुत सारे मिक्की माउस अच्छे से दिखाता आपको जाके रुके। और सुबह का अभी 5:45 या 6 बजे लेकिन देखिए कितना भीड़ है सब एकदम रात भर के लिए निकला हुआ है। यही तो क्रेज़ है इधर कोलकाता में पूजा का। और ये रहा मिक्की माउस और ये पता नहीं कौन है मेरे को इतना कैरेक्टर्स के बारे में पता नहीं लेकिन वहाँ पे है मिक्की और मिनी कलरफुल वाले। सॉरी हसबुन ये देखिए गाइस अभी हम लोग घुस रहे हैं और पता नहीं कोई एक तो भगवान मंदिर वाला वाइब आ रहा है इतना सुबह सुबह मंदिर ही जाया जाता है। चलो कौन तो कॉपीराइट का बात बोल रहा था भाई कोई म्यूजिक तो नहीं बज रहा है ना। और ये रहा माँ का मूर्ति कृष्णा किधर है एक मोटा सा गोरा सा चिप्स देना है चिप्स खिलाना है मम्मी लोग कहाँ गई चल ना हम लोग निकलते हैं मिल जाएंगे मिल जाएंगे मिल जाएंगे कोई ऑप्शन नहीं है। गाइस सुबह के बजे है 5:45 और देखिए कितना भीड़ है अभी भी तो अभी भी इसको कुछ भीड़ नहीं बोलेंगे एक्चुअल भीड़ बहुत ज़्यादा है इसके लिए। गाइस ये रहा मूर्ति भगवान माता का और सुबह के बजे है 4:15 और कितने सारे भीड़ है यहाँ पे। और ये देखिए गाइस सही से देखिए मूर्ति को आप लोग ये देखिए ऊपर का इंटीरियर दिखा रहा है आपको। देखिए ऊपर कितना अच्छा झूमर लगाया है और प्रॉपर कितना अच्छा डेकोरेशन किया है। वहाँ पे भी देखिए डिज्नी के कैरेक्टर्स है और यहाँ पे पुलिस वाले हम लोग को जस्ट निकालने वाले तब तक आपको सब दिखा दे रहा हूँ। वो निकल जाएगा तो कुछ दिखा भी नहीं पाऊँगा। हाँ चलिए अभी मेरा सेल्फी टाइम है बाद में कंटिन्यू करता हूँ वीडियो। ये देख लीजिए माँ को फिर से आप से होती है अपनी एग्जिट। ये देख लीजिए झूमर ये देख लीजिए माँ। अभी सीधा यहीं से निकलता हूँ फिर आपको वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। घूम के हम लोग आ चुके हैं अपने घर अभी हम लोग सोएंगे। और कितना देरी से घूमे हम लोग 6 घंटे से पूरा
छः घंटे से पूरा हम लोग घूमे हुए हैं, कितना पंडाल देख लिए मेरे को भी नहीं पता, 3-4 पंडाल तो मिनिमम कवर किए होंगे, और अभी बजे 6:15 एग्जैक्ट 6:14 हुआ था, अभी 6:15 पकड़ ली तब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, और अभी आ चुके हैं घर, अभी आराम से जाएंगे, 6-7 घंटे का 8-9 घंटे का नींद अच्छे से लेंगे, फिर अगर होगा तो कल वापस इसको कॉलेज जाना, अभी 11 बजे उठ जाएगी, अभी सोएगी भी नहीं बेचारी, अभी जाएगी सीधा मुंह वो धोएगी रेडी होके कॉलेज, और हम लोग जाएंगे सोएंगे 9 घंटे का नींद लेके, फिर अगर निकलने का हुआ तो निकलेंगे वरना घर चले जाएंगे। कोई ना, अगर अभी तक आपने व्लॉग देखा है तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं नए नए व्लॉग्स ऐसे ही लाते रहूँगा। थैंक